अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और है कंफर्म कर दो तुम के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन है तो ठीक है देखो हम लोग यहाँ पर लास्ट uh, क्लास में हम लोग लेबर कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट किए थे ठीक है अच्छा अब क्लास जिनका मिस है ठीक है हम वो शेयर कर देंगे मुझे एक बार याद करवा देना ठीक है जिन्होंने नहीं किया है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था होमवर्क में इलास्ट्रेशन थ्री और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ये सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे ठीक है तो अभी हम लोग ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सबसे हुआ नहीं है तो ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हो गया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हो गया हाँ तुमने भेजा है हम चेक कर लेते फिर भी एक बार करवा देंगे ठीक है तो एक बार चेक कर लेना अभी भेजा था तो मैंने देखा नहीं अभी तक अच्छा इलास्ट्रेशन थ्री इलास्ट्रेशन थ्री का क्वेश्चन अगर देखो तो ये ना ओवर टाइम का क्वेश्चन है ठीक है तो पहले ना हम लोग ओवर टाइम थोड़ा सा पता कर लेते कि ओवर टाइम क्या होता है उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा ठीक है ओवर टाइम का क्वेश्चन था लास्ट दिन मैंने ओवर टाइम बोला नहीं था ठीक है गुड मॉर्निंग जोशी ठीक है पहले हम लोग ओवर टाइम क्या होता है वो देख लेते हैं आफ्टर दैट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो देखो यहां पर हेडिंग करते हैं ओवर टाइम देखो ओवर टाइम क्या था हम लोगों ने लास्ट दिन देखा ना एक लेबर को क्या क्या मिलता है एक लेबर को सैलरी मिलता है यानी बेसिक पे जो हो होता है डी अलाउंस एस अलाउंस अदर अलाउंसेस में हाउस रेंट होता है ट्रैवलिंग होता है बोनस होता है ओवर टाइम भी होता है ठीक है तो इंप्लॉय को अलग अलग तरह का पेमेंट मिलता है उसमें ओवर टाइम भी एक पेमेंट होता है ना ओवर टाइम का कंसेप्ट क्या है देखो ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट तो ओवर टाइम क्या होता है सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जो भी हम लोग का टाइम होता है उससे अगर ज्यादा पढ़ा देते हैं तो मतलब ज्यादा काम कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ओवर टाइम किया जैसे मान लो तो जैसे हम डेली टू आवर्स क्लास लेते हैं ठीक है मतलब एक क्लास टू आवर्स का लेते हैं लेकिन मैंने किसी दिन थ्री आवर्स ले लिया तो वन आवर ओवर टाइम कर लिया मतलब ज्यादा पढ़ा दिया ना और तुम लोग का भी ओवर टाइम हो गया जैसे मान लो कि नॉर्मल डे पे तुम लोग पढ़ाई करते हो डेली फॉर एग्जाम्पल डेली तुम लोग पढ़ाई करते हो सेवन आवर्स ठीक है लेकिन जब एग्जाम आया ठीक है ये तुम लोग का क्या है ये तुम तुम लोग लोग का स्टडी टाइम 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 है डेली आवर्स लेकिन एग्जाम एग्जाम के पे पे कितना पढ़ोगे थोड़ा सो थोड़ा तो ज्यादा पढ़ी लोगे तो एग्जाम के टाइम पे टेन आवर्स पर डे पढ़ लेते हो ठीक है टेन आवर्स पर डे तो बोलो ओवर टाइम कितना हो जाता है ओवर टाइम कितना हो जाता है अगर एग्जाम में तो थ्री आवर्स तो थ्री आवर्स हो जाएगा ओवर टाइम और बाकी सेवन आवर्स तो वैसे भी पढ़ते थे एग्जाम हो या ना हो ठीक है ये हो जाएगा नॉर्मल टाइम ठीक है ये हो गया नॉर्मल टाइम ओवर टाइम का मतलब ही होता है अगर हम लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं ठीक है अब चाहे वो फैक्ट्री में वर्कर का ओवर टाइम हो ठीक है कोई डॉक्टर का मतलब ज्यादा टाइम देके वो काम कर रहे हो कोई लॉयर हो कोई टीचर हो या फिर कोई स्टूडेंट ज्यादा पढ़ रहा है जो भी हो ठीक है तो ओवर टाइम का मतलब होता है नॉर्मल टाइम से जितना भी ज्यादा होता है वही ओवर टाइम होता है मतलब हम लोग बोल सकते हैं ओवर एंड एवर नॉर्मल टाइम ठीक है क्योंकि हर एक आ, काम का अपना नॉर्मल टाइम हो सकता है ठीक है जैसे तुम लोग का स्टडी का एक नॉर्मल टाइम हो सकता है ठीक है तो जैसे नॉर्मली क्या होता है एक इंसान कितना सिक्स टू सेवन आवर्स होता है अगर कोई बारह तेरह घंटा सो रहा है तो ये तो मतलब ओवर टाइम नहीं बोले मतलब एक्स्ट्रा वही है ये, वही होता है कि नॉर्मल से ज्यादा ठीक है नॉर्मल से कुछ ज्यादा होगा तो वो भी हम लोग उसे बोलेंगे कि ओवर टाइम हो रहा है ठीक है अब ओवर टाइम जो हम लोग यहाँ पर लेबर कॉस्ट के लिए पढ़ रहे हैं यानी लेबर अगर ओवर टाइम कर रहा है तो लेबर का बात जो है तो फिर फैक्ट्री से रिलेटेड होगा क्योंकि फैक्ट्री प्रीमिसिस में जितने भी लोग काम करते वो सभी लेबर होते चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन जो है बोला भी था ठीक है अब देखो फैक्ट्री एक्ट होता है ठीक है फैक्ट्री एक्ट होता है 1948 ठीक है उसके हिसाब से फैक्ट्री एक्ट में बताया गया क्यों फैक्ट्री एक्ट लाया गया था ताकि लोगों से फालतू का ज्यादा काम नहीं करवाया जाए सभी चीज का एक रूल्स अगर है तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते उनके लिए भी भी रूल्स होना चाहिए ना वो इंसान है ऐसा थोड़ी ना है कि उनसे हम लोग पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटा काम करवाएंगे ये सब होता था पहले इसी वजह से फैक्ट्री एक्ट लाया गया और वहां पर ये बोला गया है कि नॉर्मली फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से नॉर्मली एक वर्कर को काम करना पड़ेगा नाइन आवर्स पर डे ठीक है नॉर्मली जो है नाइन आवर्स पर डे वर्किंग टाइम होगा एक वर्कर का ये कहाँ पर बोला गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बोला गया है ठीक है और अगर इससे ज्यादा कोई भी वर्कर काम करेगा नाइन आवर्स पर डे से ज्यादा तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवर तो यहाँ पर वो भी चीज लिख लेते हैं मोर देन नाइन आवर्स इन ए डे इज कॉल्ड ओवर टाइम अगर कोई नाइन आवर्स से एक घंटा क्यों अगर नाइन आवर्स से पंद्रह मिनट भी ज्यादा करेगा तो बोलेंगे पंद्रह मिनट ओवर टाइम किया है ठीक है नाइन आवर्स तक नॉर्मल है तो ओवर टाइम करने से क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर को मतलब देखो एक वर्कर को मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्कर को वेजेस दिया जाता है वेजेस रेट देखो वेजेस रेट सपोज है रुपीज पर आवर ठीक है तो एक दिन का एक वर्कर को कितना मिलेगा डेली वेजेस फिर कितना हो जाएगा क्योंकि डेली कितना टाइम काम करना पड़ेगा एक तो मतलब जैसे देखो वर्कर के वर्कर से वर्कर के साथ कोई भी गलत ना करे इसलिए फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट में बोला गया नाइन आवर्स से ज्यादा काम करवाओगे तो ओवर टाइम बोला जाएगा तो नाइन आवर्स तो कम से कम काम करना पड़ेगा नहीं तो लोग क्यों काम पे रखेंगे है ना तो अगर वेज रेट टेन पर आवर है तो डेली वेजेस एक वर्कर को कितना मिलेगा विदाउट एनी ओवर टाइम बोल रहे डेली में उनको कितना अर्निंग हो सकता है ये बताओ नॉर्मल बोलो आवर्स पर ते, रुपीस पर सॉरी आवर मतलब वन आवर काम करने पर टेन रुपीज मिलेगा तो डेली का वेजेस कितना होगा डेली एक वर्कर को कितना टाइम काम करना पड़ेगा नाइन्टी रुपीज नाइन्टी रुपीज नाइन आवर्स काम करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ टेन करके तो ये हो गया रुपीज नाइनटी नाइनटी रुपीज मिल जाएगा ठीक है और अगर ये वर्कर थोड़ा सा भी ज्यादा काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा देखो अगर मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है ट्वेल्व आवर्स फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर ने काम किया ट्वेल्व आवर्स अगर हम लोग उसे एट द रेट ऑफ टेन करके ही देंगे क्या वो ओवर टाइम करेगा मुझे इतना बताओ ये तो ओवर टाइम हो गया ना नाइन आवर्स से ज्यादा पहले बोलो ओवर टाइम कितना किया ओवर टाइम बताओ टाइम बताओ ओवर टाइम कितना हुआ Three hours. थ्री आवर्स ओवर टाइम थ्री आवर्स हो गया ठीक है अच्छा अगर ये थ्री आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहा है फिर भी उसे कितना मिल रहा है एट द रेट ऑफ टेन करके ही मिल रहा है क्या कोई वर्कर ओवर टाइम करेगा या फिर बोलेगा हम नाइन आवर्स काम करके चले जाएंगे फिर कल आके करेंगे बाकी तीन घंटे का काम क्योंकि मुझे तो वही उतना ही मिलना है क्योंकि अगर हम आज नौ घंटे काम करेंगे मुझे नाइन्टी रुपीज मिलेगा ये थ्री आवर्स का काम हम मेरा छुट्टी हो जाना था ठीक है नाइन आवर्स काम होने के बाद लेकिन मैंने ओवर टाइम का सोचा ओवर टाइम किया लेकिन मुझे पेमेंट तो वही दस रुपए करके मिल रहा है तो बोलो कोई वर्कर ओवर टाइम करेगा क्यों करेगा वो नेक्स्ट दिन आके भी तो काम पूरा कर सकता है अगर उसे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो क्या वो ओवर टाइम करेगा बोलो नहीं करेगा नहीं करेगा ना क्यों करेगा वो बोलेगा हम कल आके बाकी काम पूरा कर देंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कल आके तीन घंटा और बाकी छह फिर कल आके भी नौ घंटा ही काम करेंगे क्योंकि मुझे तो वो डेली का नाइनटी ही मिलने वाला है ठीक है तो हम क्यों करें यहाँ पर उसे जो मिल रहा है ऑब्वियसली ये देखने से लग रहा होगा तुम लोग को थर्टी रुपीज ज्यादा मिल रहा है लेकिन थर्टी रुपीज तो वो कल भी कमा सकता है उसे अगर दस रुपए करके ही मिलेगा तो वो ओवर टाइम क्यों करेगा नहीं करेगा अब देखो ओवर टाइम करवाना है अगर वर्कर से ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पेमेंट पेमेंट करना पड़ेगा अगर हमें वर्कर से करवाना है ओवर टाइम तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पेमेंट जो है ये कैसा होगा ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट ऐसा होता है ठीक है बाकी क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है मैटर तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट नॉर्मली ऐसे होगा तो तो बोलो अगर time, किसी वर्कर ने आवर्स काम किया है तो उसे कितना पेमेंट मिलेगा अगर ये चल रहा है अगर किसी वर्कर ने ट्वेल्व आवर्स काम किया है ठीक है डेली कितना काम किया है डेली किया है एक एक दिन का ठीक है ट्वेल्व आवर्स काम किया ऐसे लिखते हैं ट्वेल्व आवर्स फॉर वन डे एक दिन एक वर्कर ने ट्वेल्व आवर्स काम किया और उसका वेजेस रेट था वेजेस रेट था एट द रेट ऑफ टेन पर आवर तो मुझे बोलो उनका टोटल वेजेस क्या होगा वो जब काम करने के बाद चले जाएंगे अपना पेमेंट लेके तो उनको कितना मिलेगा कितना पेमेंट मिलेगा बोल सकते हो कितना पेमेंट मिलेगा टोटल वेजेस कितना मिलेगा हाँ हाँ वन फिफ्टी करेक्ट क्योंकि देखो उनको वेजेस कैसे मिलेगा नाइन आवर्स जो है वो उनका नॉर्मल काम है ठीक है नाइन आवर्स के लिए तो वो ऐसे ही आते हैं ड्यूटी देने के लिए और नाइन आवर्स का उनको टेन रुपीज करके मिल जाएगा ठीक है और बाकी उन्होंने जो एक्स्ट्रा टाइम काम किया ट्वेल्व आवर्स है थ्री आवर्स ओवर टाइम हो गया और ओवर टाइम कैसे दिया जाता है ट्वाइस द नॉर्मल वेजेस ट्वाइस यानी डबल ठीक है दो गुना तो टेन रुपीज के बदले ट्वेंटी अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो ट्वेंटी रुपीज करके मिलेगा तो नाइनटी प्लस ये हो गया सिक्सटी रुपीज है ना नाइनटी प्लस सिक्सटी रुपीज यानी कि वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज जो है उनको मिलेगा तब ना वो ओवर टाइम करेंगे यहाँ पर कितना हो रहा था यहाँ पर टोटल करके देखो यहाँ पर कितना हो रहा था यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये कर दिया सॉरी यहाँ पर ऐसे टोटल तो नहीं होगा मैंने ये 12 आवर्स का दिखाया वन ट्वेंटी यहाँ पर 12 आवर्स काम करके 150 तो तभी ना वर्कर करेगा उन्हें कोई बेनिफिट होगा नहीं तो वो बेकार में क्यों इतना टाइम लगाएंगे ठीक है मेहनत है तीन घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ये एड नहीं होगा ये नाइन आवर्स का बताया था ये ट्वेल्व आवर्स तो ट्वेल्व आवर्स का वन अगर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होता है अगर एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ होता है तो ट्वेल्व आवर्स का ही वन मिलेगा और ऐसा नहीं होगा तो कोई भी वर्कर एक्स्ट्रा ओवर नहीं करेगा ओवर करने पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए और एक्स्ट्रा पेमेंट फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से है ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट ठीक है और ये जो सिक्सटी रुपीज है इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम भी बोल सकते हैं ठीक है कभी कभी तुम लोग को ये लैंग्वेज भी मिल जाएगा प्रीमियम फॉर ओवर टाइम प्रीमियम मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ठीक है प्रीमियम का मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट तो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया जैसे शेयर प्रीमियम में इशू होता है उसी तरह से ये देखो 12 आवर्स काम किया बट ट्वेल्वी के जगह कितना मिला 150 ज्यादा मिला क्यों दस रुपए करके तीन घंटे का एक्स्ट्रा मिल गया तीन घंटे देखो दस रुपए तो ऐसे भी मिलता था अगर ओवर टाइम का ये रूल्स नहीं होता तो वन तो उन्हें मिलने ही वाला था ना थर्टी रुपीज क्यों एक्स्ट्रा मिला क्योंकि ओवर टाइम जो थ्री आवर्स हुए उसके लिए और भी टेन टेन एंड टेन करके मिला है ना तभी इतना हो गया ये हो गया हम लोगों का ओवर टाइम का कंसेप्ट लेकिन एक चीज देखो कि वर्कर जैसे यहाँ पर वर्कर के बेनिफिट के लिए ओवरटाइम का इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस लाया गया वैसे वर्कर भी चाहे तो ओवरटाइम का बेनिफिट लेके मतलब कंपनी को धोखा दे सकते हैं धोखा देने का मतलब ये हो गया जैसे मान लो कोई एक वर्कर है ठीक है कोई एक वर्कर है ये मान लो है वर्कर ए ठीक है ये क्या कर रहे हैं ये आ रहे हैं इनको पता है कि मुझे नाइन आवर्स तो ड्यूटी देना ही पड़ेगा ठीक है नाइन आवर्स ड्यूटी देके इनको काम करना पड़ेगा अब ये सोच रहे हैं हम ओवर टाइम करेंगे ठीक है हम टू आवर्स ओवर टाइम करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू आवर्स ये क्या करना चाहते हैं ओवर टाइम इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि हम नॉर्मल नाइन आवर्स तो काम करेंगे ही और टू आवर्स ओवर टाइम करेंगे ताकि मुझे ज्यादा पेमेंट मिले लेकिन अगर इनके दिमाग में बदमाशी चल रहा है तो ये क्या कर सकते हैं ये नॉर्मली नाइन आवर्स में जितना काम होता है ना उतना काम नहीं किया मतलब नाइन आवर्स में क्या किए हार्डली फोर आवर्स जो है उन्होंने प्रॉपरली काम किया और बाकी फाइव आवर्स जो है ना फोर आवर्स ऐसे लिख देते देखो फोर आवर्स इन्होंने हम ऐसे करके दिखा देते इन्होंने क्या किया फोर आवर्स जो है प्रॉपरली काम किया और फाइव आवर्स जो है ना ऐसे ही बिता दिया फाइव आवर्स जो है वो आइडल बिता दिया आइडल बिता दिया अब फैक्ट्री बड़ा बड़ा फैक्ट्री में किस कौन किसको वॉच कर रहा है नॉर्मली ऐसा हाँ वॉच करने के लिए अभी हम लोग बताएंगे इसका हम लोग कैसे रिकवरी करें मतलब ये प्रॉब्लम से कैसे निकले वो भी बताएंगे लेकिन मान लो कोई अगर घूम फिर के ऐसे ही बिता दे रहा है काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली या फिर काम लेके तो बैठा है बट उसमें कुछ कर नहीं रहा है कोई आ रहा है देख रहा है तो कर रहा है नहीं तो अपने हिसाब से काम कर रहा है तो ये फाइव आवर्स इसने आइडल बिता दिया ठीक है क्यों क्योंकि ये सोच रहा है अभी हम नाइन आवर्स का मेहनत नहीं करेंगे हम फोर आवर्स मेहनत करेंगे लेकिन एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे तो मेरा चोरी

फोर्टी वन ट्वेंटी रुपीज मुझे मिल जाएगा ठीक है लेकिन कंपनी का लॉस क्या है क्योंकि इन्होंने क्या किया ओवर टाइम जो टू आवर्स है इसमें इन्होंने काम किया मान लो इस पे इन्होंने काम कर दिया टू आवर्स जो ओवर टाइम किया ठीक है प्रॉपरली वर्क कर दिया प्रॉपरली वर्क ठीक है मान लो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली वर्क कर दिया अब कंपनी में वो थे नौ और दो इलेवन आवर्स ठीक है जिसके वजह से ओवर टाइम टू आवर्स इनको वन ट्वेंटी पेमेंट मिला लेकिन का का क्रिएट तो मतलब तो किया है कि वर्कर चाहे तो इस तरह से कर सकता है उसको पता है कि नॉर्मल आवर्स में काम करेंगे तो मुझे टेन रुपीज करके मिलेगा या फिर नॉर्मल वेज रेट मिलेगा लेकिन अगर हम ओवर टाइम करेंगे तो मुझे उसी वेज रेट का डबल मिलेगा ठीक है तो वर्कर इस तरह से अपना दिमाग चला सकता है मतलब बदमाशी वाला दिमाग की हम एक काम करते हैं हम नाइन आवर्स थोड़ा इधर उधर करके बिता देंगे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे बाद में जितना ओवर टाइम करेंगे मुझे ज्यादा पेमेंट मिल जाएगा तो ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा इससे क्या होगा कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि वो, वो तो कंप्लीट कर सकता था बट उसने फालतू में ओवर करवा दिया क्योंकि उसने दिखाया तो टारगेट दिया गया था पंद्रह है? है, तो है लेकिन हम पूरा करके जाएंगे हम ओवर टाइम करके पांच यूनिट बना देंगे लेकिन वो उसके पास वो केपेबिलिटी था वो नाइन आवर्स में ही पूरा पंद्रह यूनिट बना सकता था बट उसने क्या किया बदमाशी किया दस यूनिट ही बनाया और बोला पांच यूनिट हम बना देंगे डोंट वरी हम बना देंगे लेकिन हम करेंगे मेरे को दे दीजिएगा ऐसे बोल ही सकता है ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो वर्कर को देखे कि वर्कर सच में क्या कर रहा है ठीक है प्रॉपरली काम नहीं करके ओवर टाइम कर रहा है क्या फिर सच में ओवर टाइम वाला सिचुएशन आया है तभी वो टाइम कर रहा है तो इसके लिए हम लोग पॉइंट लिखेंगे overtime cost we need to appoint a supervisor to check if a labor is पेंडिंग नॉर्मल टाइम एज आइडल और नॉट ठीक है मतलब सुपरवाइजर का काम क्या यह देखना की नाइन आवर्स वाला काम जबरदस्ती इलेवन आवर्स में कंप्लीट तो नहीं कर रहा है फालतू में बैठे थे पंद्रह यूनिट बना सकते थे नहीं बनाया आप बोल रहे ओवर टाइम करेंगे और ज्यादा पेमेंट मिल जाएगा तो इसके लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है कंपनी को अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं ए वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ

ठीक है ये रूल्स है देखो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ नाइन आवर्स या उससे ज्यादा से समझा ओवर टाइम को बताने के लिए बट इसका जो रूल्स होता है कि एक वर्कर को ओवर टाइम पे जब किया जाता है तो उसके लिए एक रूल्स फॉलो किया जाता है क्या फॉलो किया जाता है ए वर्कर इज एंटाइटल रेट ऑफ हिज वेजेस इफ ही वर्कड बियॉन्ड नाइन आवर्स नाइन आवर्स से ज्यादा जितने भी आवर्स काम होंगे उसके लिए डबल रेट में मिलेगा और या फिर 48 hours इने वीक देखो एक होगा पर बोल रहा है, और 48 hours, एक में फोर्टी एट आवर्स काम करने से जितना वेजेस होगा उसमें से जो हायर होगा उसी पे वेजेस मिलेगा ठीक है अब शायद ये वाला पॉइंट तुम लोग को उस तरह से नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं लेकिन हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं देखो एग्जाम्पल से अभी समझा देंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा बाकी ये रूल्स है लेकिन ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं थ्री वर्कर ए बी सी वर्क फॉर नॉर्मल वेज रेट एट द रेट ऑफ टेन पर आवर फॉर द टाइम देखो एक हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ही मतलब हम क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना वहीं पर आंसर कर लेंगे मैंने यहाँ पर पहले देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि थ्री वर्कर है ठीक है थ्री वर्कर्स है सी ठीक है ये काम कर रहे हैं नॉर्मल वेज रेट टेन आवर्स पर आवर के लिए ठीक है अब देखो कितने टाइम के लिए ये काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल बनाते हैं देखो यहाँ पर डेज डेज में आ जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है वैसे भी सेवन uh, डेज नहीं होगा हाँ सिक्स डेज होता है क्योंकि संडे छुट्टी रहता है संडे छुट्टी रहता है जैसे ये वाला फोर्टी एट ना सेवन इंटू नाइन आवर्स करने से सिक्स इंटू नाइन आवर्स करने से फिफ्टी फोर होता है लेकिन फिर भी आवर्स है ठीक ये अभी हम समझा देते हैं लेकिन मैंने वहां पर सेवन मल्टीप्लाई किया था ना तो सेवन नॉर्मली नहीं होता है अगर डेज होता है तो होगा लेकिन नॉर्मली मान लेते कि हैं कि संडे जो है हम लोगों का छुट्टी रहेगा तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये डेज हो गया ठीक है अब आवर्स वर्क आवर्स वर्क कितने टाइम कौन से वर्कर ने काम किया उसका लिस्ट बना लेते हैं ए वर्कर बी वर्कर और सी वर्कर तो आवर्स वर्क लिख लेते हैं देखो ए ने काम किया है नाइन आवर्स नाइन आवर्स नाइन आवर्स नाइन आवर्स और एट आवर्स एंड फोर आवर्स ठीक है बी ने काम किया है नाइन आवर्स करके नाइन 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 एंड नाइन और सी ने काम किया है ट्वेल्व 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 और इस तरह से ठीक है ओवर टाइम कर लिया और दो दिन लास्ट में आया नहीं ठीक है छुट्टी ले लिया ये देखने से तो यही लग रहा है हाँ ना तो हमें ये डिटेल्स दे रखे अब टोटल करते हैं कि ए ने वीकली कितना टाइम काम किया तो नाइन करके वन टू थ्री फोर थर्टी एट आवर्स ठीक है ये आवर्स हो जाएगा टोटल आवर्स कर लेते हैं ये क्वेश्चन ही चल रहा है ठीक है फिर नाइन करके है सिक्स तो ये हो गया फिफ्टी फोर आवर्स तो इंडिविजुअली भी हमें हम लोगों ने लिख लिया कि इंडिविजुअली एक एक वर्कर एक दिन में कितना काम किया है और वीकली सिक्स डेज में कितना काम किया है और ट्वेल्व ट्वेल्थ ट्वेल्व ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट आवर्स एट आवर्स अब हमें दे दे रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट वेज ईच ऑफ देम ठीक है सबका अलग अलग वेजेस कैलकुलेट करके बताओ तो कैसे होगा देखो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तीन वर्कर ए बी और सी ठीक है डेज मंडे Tuesday, Wednesday, वेडनेसडे Friday, थोड़ा सा ऊपर लिखता नहीं तो यहाँ पर नहीं होगा मंडे Tuesday, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अच्छा मुझे बोलो कि पहले दिन के लिए मंडे के लिए ए को कितना मिलेगा बोलो मंडे के लिए ए को कितना मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन अगर लिख लियो तो टेन आवर्स पर डे करके नॉर्मल वेजेस है बोलो मंडे के लिए ए को कितना मिलेगा टेन करके हाँ कितना होगा बोलो टेन इंटू नाइन कितना हो जाएगा नाइन्टी फिर उसके बाद नाइन्टी मिलेगा नाइन्टी नाइनटी नाइन्टी थर्सडे तक नाइन्टी रुपीज करके ही मिलेगा फ्राइडे में कितना मिलेगा ये बताओ एट आवर्स काम किया है बोलो कितना मिलेगा एट्टी 80. 80 और सैटरडे में फोर आवर्स तो कितना हो जाएगा फोर्टी टोटल करो टोटल करो 90, 90, 90, 90। 360 थ्री हंड्रेड सिक्सटी हो गया थ्री हंड्रेड सिक्सटी और ये हो गया फोर्टी एड करने से फोर हंड्रेड एट्टी हो जाएगा ठीक है ये हो गया फोर हंड्रेड एट्टी अब बी का बताओ बी बी ने नाइन आवर्स करके काम किया है कितना फाइव हंड्रेड फोर्टी हो गया ठीक है अच्छा अब सी का बताओ सी का सी का कितना होगा बोलो सी ने ट्वेल्व आवर्स काम किया है तो कितना हो जाएगा 120. वन ट्वेंटी ठीक है कैसे हो रहा है ये देखो वन ट्वेंटी या वन फिफ्टी हो रहा है 150 होगा 150 होगा ना नाइन आवर्स टेन रुपीज करके प्लस जो हाँ थ्री आवर्स करके कितना होगा डबल करना पड़ेगा अगर टेन ही कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा तब वन ट्वेंटी होगा थ्री आवर्स करके ओवर टाइम में कैसे मिलना चाहिए क्वेश्चन में हमें बताए या ना बताए ओवर टाइम हमेशा डबल मिलेगा तभी कोई ओवर टाइम करेगा ओवर टाइम लोग तभी करते हैं अगर उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है नॉर्मल पेमेंट मिलेगा कोई ओवर टाइम नहीं करेगा ठीक है तो थ्री आवर्स इंटू कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो इसका हो गया 150 ठीक है यहाँ पर 150 तो इस तो इनका सारा ही 12 आवर्स करके है एक्सेप्ट ये दो डेज तो फिर सब में 150 करके हो जाएगा ठीक है 150 150 150 टोटल कितना हुआ एक दो तीन चार फोर टाइम्स 150 यानी

ए का कितना हो जाएगा फोर्टी एट आवर्स पर वीक के हिसाब से, से चेक करेंगे तो अगर फोर्टी एट आवर्स पर वीक के हिसाब से हो तो सबको कितना करके मिलेगा अगर 48 एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करेंगे तो वैसे कितना होगा 48 आवर्स एक का एक घंटे का कितना मिलता है बोलो एक घंटे का कितना मिलता टेन रुपीज तो ए को कितना मिलना चाहिए फोर एट्टी अच्छा और फोर्टी एट आवर्स करके अगर बी का होगा तो भी सेम होगा टेन रुपीज करके फोर एट्टी मिलना चाहिए ठीक है और सी का भी देखो फोर्टी एट आवर्स करके टेन रुपीज करके अगर होगा तो सी को भी फोर एट्टी मिलना चाहिए ठीक है अगर हम लोग फोर्टी एट आवर्स वीक ये प्रोविजन है ना प्रोविजन बोल रहा है की फोर्टी एट आवर्स इन ए वीक जितना होता है वो देखो और ये वाला भी देखो जो ज्यादा होगा वही पेमेंट मिलेगा तो हम लोगों ने फोर्टी एट आवर्स इन ए वीक का कैलकुलेशन कर लिया सभी का इक्वल हो रहा है क्योंकि सभी का टेन, टेन था ठीक है? अब मुझे बोलो ए को कितना कितना मिलेगा फोर एट्टी तो मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा अच्छा बी का बताओ बी का डेली बेसिस पे था फाइव फोर्टी और वीकली आया फोर हंड्रेड एट्टी कितना मिलेगा विच एवर इज हायर बोला है तो कितना मिलेगा 540. फोर्टी ये वाला होगा फाइव फोर्टी ठीक है अच्छा और C का C का कितना हो जाएगा C का हो जाएगा हम लोगों का सिक्स हंड्रेड ठीक है अच्छा एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा प्रोविजन मैंने गलत बता दिया एक सेकेंड एक सेकेंड मैंने यहाँ पर ए का ठीक था ए का ठीक था एक सेकेंड ए का ठीक था हम एबीसी नीचे नीचे लिखते थोड़ा सा प्रोविजन गलत हो गया फोर्टी एट आवर्स इन ए वीक ए का हो गया और यहाँ पर बी का ऐसे चेक करते हैं मिनट बी का ऐसे चेक करते हैं बी का फोर्टी एट आवर्स इन टू टेन फोर एटी ये सही है ठीक है प्रोविजन मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था ये सही है लेकिन बी ने देखो बी ने कितना टाइम उस तरह से कंपेयर नहीं होगा ठीक है वो थोड़ा सा गलत हो गया बी ने टोटल कितने आवर्स काम किए वो यहां दिख रहा होगा देखो ये ये देखना पड़ेगा ठीक है ये देखना पड़ेगा तो ये फोर्टी आवर्स और ये कितना हुआ है एक्चुअल पहले चेक करेंगे ठीक है हम बताते हैं प्रोविजन कैसे होगा फिर से एक बार चेक करो पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे चेक करेंगे ये तो समझ में आ गया होगा अब हम लोग वीकली चेक करेंगे वीकली ए ने 48 आवर्स काम किया तो 48 into 10 480 होगा और वीकली बी ने कितने आवर्स काम किए ये बताओ वीकली बी ने कितने आवर्स काम किए ये बताओ ये बताओ 54 आवर्स तो 48 आवर्स के लिए ₹10 करके मिलेगा और 58 मतलब और कितना होगा 58 मतलब और कितना होगा 6 आवर्स 58 मतलब और सिक्स आवर्स हो गया तो ये सिक्स आवर्स ओवर टाइम हो रहा है एक्चुअली एक बार मेरा लैंग्वेज ये पूरा पूरी मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली क्या हो रहा है हम लोग जैसे यहाँ पर मोर देन नाइन आवर्स जो होता है उसे डबल मानेंगे उसे ओवर टाइम मानेंगे वैसे फोर्टी एट आवर्स से ज्यादा होगा तो उसे डबल मानेंगे तो फिफ्टी फोर में कितना ज्यादा हो रहा है फोर्टी एट आवर्स से ज्यादा होगा तो उसे डबल मानेंगे तो फोर्टी एट आवर्स से ज्यादा कितना हो रहा है सिक्स आवर्स तो इसका रेट डबल हो जाएगा तो डबल यानी ट्वेंटी कितना हो जाएगा 120 मतलब जैसे यहाँ पर किया है पर डे का 10 एंड 20 नॉर्मल वेज रेट टेन ओवर टाइम ट्वेंटी उसी तरह से वीकली में भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे तो ये कितना हो गया 600 हो गया बी का ठीक है अच्छा अब हम लोग सी का भी चेक करते हैं देखो कैसे होगा सी का हम लोग चेक करेंगे वीकली वेजेस कितना होगा वीकली वेजेस नॉर्मली वीकली वेजेस नॉर्मल कितना हो जाएगा फोर्टी आवर्स इंटू टेन अगर उसने फोर्टी एट आवर्स काम किया है तो चेक करो उसने फोर्टी एट आवर्स ही काम किया है फोर्टी एट आवर्स इंटू टेन हो गया फोर हंड्रेड एट्टी रूपीज ठीक है अब यहाँ पर देखो इन दोनों का फोर्टी एटी था इनका सिर्फ ओवर टाइम होगा वीक के हिसाब से क्योंकि वीकली जैसे पर डे नाइन आवर्स से ज्यादा होगा तो ओवर टाइम वैसे टाइमली फोर्टी जितना ज्यादा होगा वो ओवर टाइम ठीक है तो मुझे ये बोलो कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे ए को डेली बेसिस पे चेक किया फोर और वीकली बेसिस पे चेक किया फोर तो ए को कितना मिलेगा ए को फोर ही मिलेगा क्योंकि एवर इज हायर ठीक है बी का देखो बी का डेली बेसिस पे वेजेस हुआ 540 ठीक है और वीकली बेसिस पे हुआ 600 तो मुझे बोलो बी को कितना मिलेगा व्हिच एवर इज हायर होता है ना तो बी को कितना मिलेगा 540 हो रहा है हम लोगों का डेली बेसिस का कैलकुलेशन करते हैं तो और अगर वीकली बेसिस पे चेक करते हैं तो 600 तो बी को कितना मिलना चाहिए 600 600 होगा ठीक है बी को मिलेगा 600 एक्चुअल वेजेस इतना मिलेगा सी का 600 था और यहाँ पर है फोर एट्टी बोलो कितना मिलेगा सिक्स हंड्रेड मिलेगा सिक्स हंड्रेड मिलेगा एक्चुअल कितना मिलेगा सिक्स हंड्रेड मिलेगा ठीक है अच्छा ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा ठीक है ये एक एग्जांपल था ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा तब तुम लोग और भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए इफ एनी केस Is not covered by Factories Act nineteen forty eight, then over time payment is to be decided through. म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर ठीक है ये ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखो अगर कोई फैक्ट्री फैक्ट्री एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रही है ठीक है उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से ओवरटाइम पेमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा है तो ओवरटाइम कैसे पे किया जाएगा तो फिर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए किनके बीच कंपनी का जो मैनेजमेंट है और लेबर इनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसी हिसाब से ओवरटाइम पे होगा अगर कहीं पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में ऐसे होगा ठीक है अगर नहीं एप्लीकेबल होता है देन ऐसे करके हमें जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो एग्रीमेंट बना होगा उसके हिसाब से होगा ठीक है मतलब क्वेश्चन में मान लो नहीं बोला है फैक्ट्री सेक्ट एप्लीकेबल करने के लिए और कोई एग्रीमेंट बता रहा है तो हम लोग उस हिसाब से फॉलो करेंगे ठीक है नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा ओवर टाइम क्या होता है ठीक है ओवर टाइम क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ओवर टाइम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कंपनी क्या करेगी क्योंकि कंपनी का कॉस्ट तो बढ़ रहा है ना काम ज्यादा मिल रहा है ऑब्वियसली लेकिन कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग अच्छा तो देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा इफ द ओवर टाइम ऑकर ड्यू टू द जैसे देखो हम पहले बताते तुम लोग मुझे आंसर बोलो फिर हम ये वाला लिखवा देंगे पॉइंट जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है मुझे कल कल के अंदर ही मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे कल ही पीस चेयर बना के दे दीजिए मान लो फर्नीचर का काम हो रहा है पांच पीस चेयर बना के दे दीजिए ऐसा ऑर्डर दिया है और कंपनी देख रही है कि कल ही कल ही हमें पांच पीस चेयर बना के अगर देना है तो हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा वर्कर से तो ओवर टाइम करवाएंगे तो उन्हें ज्यादा पेमेंट भी करना पड़ेगा कंपनी का खर्चा बढ़ गया अब मुझे ये बोलो कि कंपनी ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी लेबर को वो खर्चा किससे रिकवर करेगी उस पर्टिकुलर कस्टमर से जिसने ऑर्डर दिया था या फिर इन जनरल जितना भी चेयर बनेगा फैक्ट्री में सभी पे वो चार्ज एप्लीकेबल कर देगी मुझे ये बताओ मेरा क्वेश्चन समझ में आया मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आके बोल रहा है मान लो ये एक फर्नीचर फैक्ट्री है ठीक है फर्नीचर बनता है यहाँ पर ठीक है कोई आके बोल रहा है मुझे कल ही कल ठीक है कल 10 बजे के अंदर 10 ए एम के अंडर मुझे कितना चाहिए अंडर 10 ए एम मुझे आ, तेन चेयर्स चाहिए थी, ठीक है तेन चेयर चाहिए कंपनी बोल रहे ठीक है हो जाएगा उन्होंने वर्कर से पूछ लिया होगा नहीं होगा पॉसिबिलिटी वर्कर बोले हाँ हो जाएगा ओवर टाइम करेंगे तो हो जाएगा लेकिन हमें डबल पेमेंट चाहिए करना भी पड़ेगा ठीक है अब कंपनी राजी होगी ठीक है हम बना के दे देंगे आपको कल दस बजे के अंदर दे देंगे अब मुझे ये बोलो तो इनका फर्नीचर बनाने का काम है तो नेक्स्ट ये दस चेयर के अलावा भी तो और चेयर बन ही रहा होगा तो मुझे ये बताओ जो ओवरटाइम का पेमेंट का खर्चा हो रहा है वो क्या कंपनी सिर्फ उस पर्टिकुलर कस्टमर से रिकवर करेगी जिन्होंने ये दस चेयर का अचानक से सडन रिक्वायरमेंट बोला और टाइम भी बताया दे दो या फिर सारे चेयर पे वो खर्चे को एप्लीकेबल कर देगी क्या लगता है बोलो इस पर्टिकुलर कस्टमर ओनली फोर चेयर पे ही करेगी हाँ बस उतने सारे चेयर्स पे करेगी जो क्योंकि उसका वैसे कंपनी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अभी कुछ ओवरटाइम वगैरह करवाए कंपनी ऐसे ही अपने आप ओवर टाइम करवा रही है वो अलग है लेकिन ये तो डिमांड पे ओवर टाइम करवा रही है कस्टमर के डिमांड पे अगर कस्टमर डिमांड पे ओवर टाइम होगा तो उस कस्टमर से रिकवर करेंगे बाकी लोगों से नहीं कर सकते तो देखो इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू डिजायर और रिक्वेस्ट Of the customer, then the entire amount of overtime wages will be charged to only that. पर्टिकुलर मतलब तो कुछ आ, मतलब जो भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं मुझे वो चीज दस दिन के अंदर या फिर जो भी टाइम पीरियड हुआ कल के अंदर मुझे चाहिए तो ओवर टाइम करवाने पे जो खर्चा होता है वो ओवर टाइम का खर्चा हम लोग सिर्फ उसी पर्टिकुलर जॉब पे करेंगे मतलब वही सारे प्रोडक्ट के पे करेंगे जो ओवर टाइम बेसिस पे हम लोग दे रहे हैं अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो रहा है अगर हम लोग जनरल प्रेशर ऑफ वर्क की वजह से अगर हम लोग ओवर टाइम करवा रहे हैं ठीक है अगर हम लोग जनरल जो है नॉर्मली जितना काम होता है उससे ज्यादा वर्कर लोगों को करवा रहे हैं कोई कस्टमर डिमांड नहीं है हम लोगों का ही काम का इतना प्रेशर हो गया कि हम लोग को ओवर टाइम करना पड़ रहा है ठीक है तो ये ओवर टाइम वेजेस कहाँ पर चार्ज करेंगे सारे कस्टमर पे करेंगे क्या कोई पर्टिकुलर कस्टमर पे करेंगे बोलो मतलब इतना इतना ज्यादा डिमांड है जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं इतना ज्यादा मार्केट मान लो कोई कंपनी है जो सोप बनाती है ठीक है अब उस सोप का इतना डिमांड हो गया है कि उन वो सप्लाई दे के नहीं सक रहे हैं मतलब रेगुलर जितना काम होता है उससे उनका नहीं हो रहा है वो सारे वर्कर को ओवर टाइम करवा रहे भाई ओवर टाइम करो नहीं तो हम लोग डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो मुझे ये बोलो ओवर टाइम करने पे कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है और कंपनी कर भी रही है क्योंकि डिमांड आ रहा है सेल बढ़ेगा तो काम तो करना पड़ेगा और देखो कुछ कुछ भी हमें अचीवमेंट चाहिए तो हमें उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है इन द टर्म ऑफ मनी हो इन द मतलब इन द टर्म ऑफ टाइम हो है ना तो उसी तरह से देखो जैसे अगर कंपनी चाहते

किसमें चार्ज करेंगे बोलो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हाँ बोलो और एक बार बोलो मतलब बात दोनों का ही कट गया मेरा एक बार बोलो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कैसे करेंगे ऑल से करेंगे ऑल कस्टमर से रिकवर करेंगे ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्योंकि ये मेरा कोई इन स्पेसिफिक डिमांड नहीं है ओवरऑल डिमांड है मुझे ओवरऑल डिमांड पूरा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ओवरऑल डिमांड पूरा करना है तो मुझे मेरे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा जैसे मान लो मैंने जो चेयर का एग्जाम्पल दिया था नॉर्मली हम चेयर बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड करके लेकिन उन्होंने ओवर टाइम करवाया ना तो उनसे बोल दिया ठीक है दे देंगे लेकिन फाइव करके लेंगे क्यों क्योंकि मुझे लेबर को ज्यादा देना पड़ा अब मान तो इतना चेयर का डिमांड आ रहा है कि मुझे सभी चेयर का दाम 550 रखना पड़ा क्योंकि वो डिमांड फुलफिल करने के लिए मुझे ओवरटाइम करवाना पड़ रहा है तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो मैंने इन जनरल बोला था इन जनरल वर्क प्रेशर इतना आ गया है क्योंकि इतना डिमांडिंग है प्रोडक्ट तो हमें वो ओवरटाइम करवाना पड़ रहा है तो सारे प्रोडक्ट पे ही चार्ज होगा है ना इफ द ओवरटाइम ऑकर्स टू द जनरल प्रेशर कोई पर्टिकुलर प्रेशर नहीं है एंड इस वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द इयर रेगुलरली थ्रू आउट द मतलब इसी तरह से पूरे साल काम हो रहा है मतलब इतने प्रेशर के साथ इतना ज्यादा डिमांड है ठीक है थ्रू आउट द इयर एज ए हाँ ये हो गया तो देखो ये सेकेंड पॉइंट जो था ठीक है एज ए यहाँ पर मैंने कहा तक लिखा था एज ए नॉर्मल फीचर मतलब ये प्रेशर के साथ काम करना इनका एक नॉर्मल फीचर हो गया इतना डिमांडिंग है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि खाली बैठे हमेशा ओवरटाइम करना पड़ रहा है ठीक है तो नॉर्मल फीचर्स हो गया इनका देन द ओवरटाइम वेजेस विल बी चार्ज इवनली टू ऑल द कस्टमर तो सारे कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं और इसमें कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज वेज रेट टू बी चार्ज टू ई जॉब कितना हो जाएगा नॉर्मल वेजेस Plus over time divided by normal time plus over time equal to wage rate. देखो वेज रेट एवरेज वेज रेट कैसे निकलेगा एवरेज वेज, वेज रेट इस तरह से निकलेगा नॉर्मल वेजेस मान लो नाइन आवर्स फॉर एग्जांपल नाइन आवर्स टेन रुपीज करके हुआ और थ्री आवर्स और ट्वेंटी और टोटल कितने आवर्स काम हुआ थर्टीन टेन नॉर्मल और ओवर टाइम थ्री आवर्स अभी ऐसे करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज ठीक है एवरेज वेज रेट अच्छा अब और एक तरह से ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मल लॉस के वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है ठीक है जैसे मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो इस वजह से प्रोडक्शन काफी टाइम बंद था तो जो ऑर्डर हमें मतलब डेली बेसिस पे एक तो टारगेट होता है ना इतना सारा बनाना है तभी तो डिमांड फुलफिल कर पाएंगे तो अगर कोई एबनॉर्मल रीजन के वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है ठीक है मतलब ना तो कोई स्पेसिफिक कस्टमर का डिमांड था ना तो मार्केट में ऐसा कोई ज्यादा डिमांड था कि हमें ओवर टाइम करना पड़े लेकिन क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हुआ था ठीक है कुछ एबनॉर्मल

कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएंगे मतलब प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट में नहीं चार्ज करने से कहा दिया जाता है लास्ट दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोलो प्रोडक्ट में अगर चार्ज नहीं करेंगे कॉस्टिंग पीएल में है हा ना हाँ इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट Or due to any abnormal reason, then overtime wages will be charged to. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो ये तीन तरह ट्रीटमेंट होगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखो ये ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया ओवर टाइम का कैसा होता है अब हम लोग ये ओवर टाइम वाला जो इलास्ट्रेशन थ्री है ये करके देखते हैं देखो कैसे होगा क्या बोला है क्वेश्चन देखो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी ए बी कौन है वर्कर होगा ठीक है फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ए मंथ मंथ का डिटेल्स है एंड एलोकेट द कॉस्ट कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड द्लोई मतलब जो काम करते है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते वो इम्प्लॉय हो गए तो ये दो इम्प्लॉय जो है ए और बी इन्होंने तीन जॉब पे काम किया था जॉब एक्स जॉब वाई और जॉब जेड ठीक है तो जॉब एक्स जॉब वाई और जॉब जेड जो है इसको फुल्ली परफॉर्म कर करने के लिए लेबर या एम्प्लॉय का कॉस्ट लगाए जो भी बोलो तो जो एम्प्लॉय है उनका नाम है ए और बी हमें ये पूछा जा रहा है कि ए बी का कॉस्ट कितना हुआ ये बताने के लिए बोल रहा है ठीक है इनको क्या क्या दिया गया है बेसिक वेजेस डीएनए सैलेंस फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑन क्या नहीं बोला है अगर नहीं बोलता है तो हमेशा फिफ्टी परसेंट ऑन बेसिक होता है ठीक है ये पॉइंट एक बार याद देख लो लो या फिर अपने हिसाब से लिख कॉपी में अगर हमें कुछ ना बोले तो फिफ्टी परसेंट डीएनए सैलेंस जो है वो जितना भी परसेंट हो या फिफ्टी बोला है जितना भी परसेंट हो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा बेसिक वेजेस पे डीए एप्लीकेबल करेंगे ठीक है फिर बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस बेसिक वेजेस का 8% और 8% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन टू इम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस ठीक है तो ऑन बेसिक वेजेस तो स्टेट इंश्योरेंस जो है ई के लिए जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो है टू परसेंट ऑफ बेसिक वेजेस ओवर टाइम कितना है ओवर टाइम है टेन आवर्स ये आवर्स बोला है ठीक है ये कोई रूपीज नहीं बोला है ओवर टाइम टेन आवर्स और सिर्फ एक ही जगह पे लिखा हुआ है ए वाले कॉलम में यानी कि ए वर्कर ने टेन आवर्स ओवर टाइम किया है ये समझ में आ रहा है अभी तक तो नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर टू हंड्रेड एक महीने में टू आवर्स अगर कोई काम करता है तो वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डी एन एस एलेंस ओवर टाइम जो दिया जाएगा वो क्या होगा वो डबल होगा डबल यानी टू टाइम किसका डबल होगा नॉर्मल वेजेस और एंड मतलब उसके साथ ऐड हो जाएगा ना एंड एंड डीएनएस एल ये जितना होगा इसका टू टाइम्स हो जाएगा हम लोगों का ओवर टाइम ठीक है इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस मतलब ईएसआई ठीक है इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट विथ इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन देखो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूअर्ड्स पी इक्वल ही होता है नॉर्मली फिर भी यहाँ बता दिया है कि इम्प्लॉयर पीएफ जो बन रहा है ठीक है क्योंकि इम्प्लॉई लोगों को क्या दिया जाता है पीएफ दिया जाता है graduate, जिसमें सबसे पॉपुलर तुम तुम लोग लोग पेंशन सुनोगे और पीएफ ये सब डिटेल्स में में टैक्स करोगे ठीक है जैसे पेंशन होता है ना उसी तरह से पीएफ और ग्रेचुअटी ये सब भी होता है तो कोई अगर मान लो कोई रिटायर कर रहा है तो कंपनी अचानक से इतना पेंशन का पैसा मान लो लमसम भी होता है मंथली भी होता है कोई कोई क्या करता है लमसम पेमेंट ले, ले लेता है तो कंपनी एट ए टाइम कैसे देगी तो जब वर्कर को रखती है ना तभी वो जो क्या करती है फंड में पैसा जमाना स्टार्ट करती है कैसे करती है पीएफ कैसे बनता है मान लो किसी वर्कर को बोला गया आपका सैलरी टेन थाउजेंड है तो वर्कर ये पूछेगा कि ये पीएफ काट के है कि पीएफ के साथ है मान लो पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड में वर्कर को देना पड़ेगा टू थाउजेंड वर्कर को उतना ही देना पड़ेगा जितना जो रख रहे हैं काम पे यानी इंप्लॉयर रखते हैं अगर इम्प्लॉय बुल, इंप्लॉयर बोलेगा कि हम पीएफ में टू थाउजेंड रखेंगे वर्कर के लिए तो वर्कर को भी टू थाउजेंड रखना पड़ेगा वर्कर कहां से टू थाउजेंड लेके आएगा

इम्प्लॉ को ठीक है इम्प्लॉय को मिलेगा तो क्या बोला है देखो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड में इक्वल है रेट पे ठीक है जितना इम्प्लॉय करेगा अगर इम्प्लॉय 2000 कर रहा है तो इम्प्लॉयर भी 2000 करेगा ये चीज बता रहा है द टू वर्कर्स वे इम्प्लॉयड ऑन जॉब एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन और ये जो दो वर्कर है जिन्होंने तीन काम में तीन जॉब में काम किया है एक्स वाई जेड कितना कितना काम वर्कर ए ने जॉब एक्स में फोर्टी थर्टी परसेंट और थर्टी परसेंट वाई और जेड में वर्कर बी ने फिफ्टी ट्वेंटी और थर्टी ठीक है ऐसे इतना इतना परसेंट जो है काम किया है तब जाके जॉब एक्स वाई और जेड जो है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ है अब देखते हैं देखो क्या बोल रहा है नीचे ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई अच्छा तो ओवर टाइम ए ने किया है और कौन से जॉब के लिए हुआ है वाई जॉब के लिए ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया है नेक्स्ट देखो बस इतना ही दिया हुआ ठीक है अब हमें क्या करना है हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जॉब एक्स वाई जेड में कितना एम्प्लॉ कॉस्ट लगा है मतलब वेजेस कॉस्ट ठीक है इम्प्लॉ कॉस्ट का मतलब ही वेजेस कॉस्ट ठीक है तो कैलकुलेट कर लेते हैं देखो इलास्ट्रेशन थ्री अर्निंग ऑफ ए एंड बी ठीक है ए एंड बी का देखो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ठीक है इम्प्लॉय कॉस्ट का इम्प्लॉय कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा ये बता सकते हो मतलब वर्कर खुद करेगा या फिर जो काम पे रख रहे वो करेगा मतलब इम्प्लॉयर कैलकुलेट करता है कि इम्प्लॉय कैलकुलेट करता है इम्प्लॉय कॉस्ट बोला है बोला है कि इम्प्लॉय कॉस्ट कितना है मतलब लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला इम्प्लॉय की जगह लेबर लिखो बात तो एक ही की है लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है हर एक जॉब के लिए लेबर कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा क्या वर्कर ये सोचता है कि प्रोडक्ट में मेरा कितना चार्ज किया कंपनी ने या फिर उसको कितना सैलरी मिलता है वो वो देखता है ये बोलो कि इम्प्लॉय कॉस्ट कौन चेक करेगा जो काम पे रख रहे हैं या जो काम कर रहे हैं जो काम पे रख करेक्ट एम्प्लॉयर चेक करेंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखो मैंने यहाँ पर इम्प्लॉ कॉस्ट नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है अर्निंग ऑफ इम्प्लॉई ए एंड बी ए एंड बी का अर्निंग क्या है पहले हम लोग ये चेक करेंगे देखो ए बी चेक कर रहा है कि हम लोग का अर्निंग क्या है तो ये कंपनी नहीं कैलकुलेट कर रही है ये वर्कर कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा अर्निंग क्या है उसके बाद हम लोग बताएंगे एंड में सोल्यूशन करके बताएंगे की वर्कर लोगों को रखने का खर्चा कितना है पहले देखो इनका बेसिक वेजेस क्या है ए को कितना मिल रहा है ए को मिल रहा है टेन थाउजेंड ठीक है ए को मिल रहा है मंथली है, है? ठीक सारा चीज मंथली बोला है तो इसमें कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है बेसिक वेजेस प्लस डीए डीए कितना मिलेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ़ कुछ नहीं बोला है तो बेसिक वेजेस ठीक है तो इसका फिफ्टी परसेंट फाइव थाउजेंड इसका फिफ्टी परसेंट एट थाउजेंड ठीक है अच्छा और क्या मिलेगा बताओ और क्या मिलेगा बेसिक मिलेगा डीए मिलेगा और वर्कर को नॉर्मली क्या मिलेगा ओवर टाइम मिलेगा वर्कर को और क्या ओवर मिलेगा तो ये देखो, ओवर टाइम मिलेगा ओवर टाइम बट अभी हमें ओवर टाइम नहीं पता ओवर टाइम कितना हुआ है वो पता है ओवर टाइम का कैलकुलेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया तो हमें नहीं पता ओवर टाइम कितना होगा जब ये टोटल हो जाएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे ग्रॉस ठीक है ग्रॉस वेजेस कितना हो रहा है ये हम लोग बोल पाएंगे अच्छा तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ओवर टाइम कितना होगा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जगह रख दिया है ठीक है यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं ओवर टाइम का कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम तो ओवर टाइम कितना है ओवर टाइम बोला गया था कि हम लोगों को यहाँ पर डीएनएस एलाउंस ये देखो नॉर्मल वेजेस और डीएनएस एलावेंस का डबल होगा ओवर टाइम ठीक है तो हम लोग पहले यहाँ पर चेक करते हैं कि नॉर्मल वेजेस कितना है पर आवर निकाल लेते हैं ठीक है नॉर्मल वेजेस पर आवर तो नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना होगा तो नॉर्मल वेजेस कितना है बोलो नॉर्मल वेजेस कितना है यहाँ से देख के बोलो नॉर्मल वेजेस कितना है ए को कितना दिया जा रहा है बी को कितना क्योंकि हम लोग ए के रिगार्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ए को ही दिया गया है ओवर टाइम क्योंकि ए ने ही ओवर टाइम किया है चेक करो क्वेश्चन में ए ने ओवर टाइम किया है ठीक है तो ए को नॉर्मली कितना पैसा मिलता है विदाउट ओवर टाइम बोलो ए को कितना मिलता है विदाउट ओवर टाइम फिफ्टीन थाउजेंड है ना फिफ्टीन थाउजेंड मिलता है ये कितने टाइम काम करने के लिए मिला है तभी तो रेट पर आवर मिलेगा ना नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू हंड्रेड है तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे ही तो नॉर्मल वेजेस मिलता है तो कितना टाइम काम किया होगा टू हंड्रेड आवर्स टू हंड्रेड आवर्स काम किया होगा तो वेज रेट कितना आ जाएगा डिवाइड करने से रूपीज सेवेंटी फाइव ठीक है रुपीज सेवेंटी फाइव पर आवर ठीक है अब ओवर टाइम का रेट कितना होगा बताओ ओवर टाइम पर आवर कितना हो जाएगा डबल बोला था देखो ओवर टाइम क्या बोला था ओवर टाइम इज पेड एट डबल ऑफ टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनए सैलेंस तो ये तो नॉर्मल वेजेस एंड डीएनए सैलेंस मिला के ही था नॉर्मल वेजेस और डीएनए सैलेंस मिला के ही तो था इसका जो रेट है उसका डबल होगा तो ओवर टाइम कितना होगा बोलो ओवर टाइम रेट कितना होगा वन फिफ्टी हाँ 75 का डबल ओवर टाइम का रेट पता चल गया ठीक है अच्छा अब हम लोग ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं टोटल ओवर टाइम वेजेस अब देखते हैं 150 करके मिलेगा ₹150 पर आवर बट कितने आवर्स ओवर टाइम हुए हैं बताओ क्वेश्चन देख के कितने टाइम्स ओवर टाइम हुए हैं कितने आवर्स दिख रहा है 10 आवर्स ठीक है 10 आवर्स ओवर टाइम हुआ है तो कितना हो जाएगा ओवर टाइम का कितना मिलना चाहिए 15 हंड्रेड है ना ओवर टाइम का कितना मिलेगा फिफ्टीन हंड्रेड मिलेगा अब ये फिफ्टीन हंड्रेड हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ओवर टाइम ठीक है वर्किंग नोट नंबर वन से ओवर टाइम लिख लिया इनका कोई ओवर टाइम नहीं था तो ये ब्लैंक हो गया अब टोटल करो कि इनका ग्रॉस वेजेस कितना हो रहा है तो ए को पता है कि उसको टेन थाउजेंड मिलेगा बेसिक फाइव थाउजेंड मिलेगा डी ए और उसने वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ओवर टाइम अर्निंग कर लिया है तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है और यहां पर कितना हो जाएगा सिक्सटीन और एटीन ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये हो गया ग्रॉस वेजेस ये ग्रॉस वेजेस का कैलकुलेशन हो गया ये इसीलिए लिख रहा है क्योंकि ये पूरा पेमेंट को नहीं मिलता है अगर कोई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स है ESI है 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 पेंशन तो उनको देना पड़ेगा अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट विद इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब इम्प्लॉयर और इम्प्लॉई इक्वल अमाउंट ऑफ पी और ई में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अब देखो

ये है टू परसेंट ऑफ बेसिक वेजेस ठीक है तो बेसिक वेजेस कितना था बेसिक वेजेस था ये एट परसेंट और टू परसेंट एट परसेंट मतलब टेन थाउजेंड का, का नहीं बेसिक का ना तो एट थाउजेंड का टू परसेंट सिक्सटीन हंड्रेड सॉरी एट थाउजेंड क्यों बोल रहे टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का टू परसेंट यानी टू हंड्रेड ठीक है अच्छा अब यहां पर देखो सिक्सटीन थाउजेंड का और एट थाउजेंड का तो सिक्सटीन थाउजेंड का एट परसेंट कितना हो जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी और टू परसेंट ऑफ एट थाउजेंड यानी वन सिक्सटी ठीक है वन वन सिक्सटी सिक्सटी नहीं 160 नहीं टू परसेंट ओ ये बार बार ये क्यों करते रहे बेसिक का है ना सिक्सटीन थाउजेंड का हम गलती से बार बार डी ए ले, ले रहे हैं वाले के लिए दोनों ही बेसिक वेजेस पे है तो ये, हाँ थ्री ट्वेंटी हो जाएगा अब माइनस करने से हमें पता चलेगा कि नेट वेजेस क्या है मतलब वर्कर ए और बी को पता चल जाएगा उनके हाथ में कितना पैसा आएगा उनके पास मतलब जो लेके वो घर जा सकते हैं वो कितना है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और माइनस ये अमाउंट वन थाउजेंड तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है और ये कितना पैसा लेके घर जा सकते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड लेस हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड लेस हो जाएगा ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड हो रहा है ना देखो तो एक बार मैम yes, ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड ठीक है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इनका वेजेस कितना हो गया लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं बोला था बेसिकली वो भी वर्किंग नोट ही है मान के चलो ठीक है अभी हमें सोल्यूशन करके ये बताना है कि इम्प्लॉय कॉस्ट कितना है जो कंपनी कैलकुलेट करेगी तो कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लॉय कॉस्ट अच्छा तो दो इम्प्लॉय है इनको रखने का खर्चा कौन कैलकुलेट कर रहा है कंपनी कैलकुलेट कर रहा है ये मेन सोल्यूशन है ठीक है कंपनी कैलकुलेट कर रहा है कंपनी देख रहा है इनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो ग्रॉस वेजेस ग्रॉस वेजेस ऐसे लिखते हैं ग्रॉस वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम ओवरटाइम जो है उसको अलग से दिखाएंगे तो ग्रॉस वेजेस ओवरटाइम के बिना कितना हो जाएगा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन और इसका तो ओवरटाइम था नहीं तो ट्वेंटी फोर तो कंपनी देख रही है कि मुझे ये तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ठीक है मुझे ये तो पेमेंट करना ही पड़ेगा प्लस प्लस मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा प्लस मुझे पेमेंट करना पड़ेगा पीएफ में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है जो इम्प्लॉई है उनका कंट्रीब्यूशन तो उनके सैलरी से डिडक्ट करवा लिया और जो कंपनी को पे करना पड़ेगा क्या वो ऐड होना चाहिए बोलो कंपनी इनको सैलरी बेसिक डीए ओवरटाइम देने के अलावा भी इनको पीएफ का पैसा जो देगी वो इनके पास डायरेक्टली नहीं जाएगा वो इनके फंड इनके नाम पे जो फंड बना हुआ है वहां पर कंट्रीब्यूट कर देगी कंपनी नहीं करेगी तो खुद ही फंसेगी पेनल्टी भी चार्ज हो सकता है ऊपर से पेमेंट भी नहीं कर पाएगी जब रिटायर होगा तो तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को जब जब मंथली सैलरी देंगे इनको इनका कंट्रीब्यूशन पी के टूवर्ड जितना होगा उतना कंपनी को करना पड़ेगा तो क्या ये कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा इम्प्लॉय को रखने का मुझे बताओ क्या ये कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा इम्प्लॉय को रखने का ऐड yes, करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पी ठीक है और इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESI, मतलब देखो यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ऐसे करके रटने का जरूरत नहीं समझो पर हम लोग बोल रहे हैं ए को कि 16,500 आपका बनता है लेकिन आपको 16,500 लेके नहीं जाने देंगे क्योंकि आप पी एफ वाला कंट्रीब्यूशन करो ये रूल्स होता है ठीक है अगर कोई कंपनी सैलरी के साथ साथ पी एफ ई एस आई ग्रेचुअटी पेंशन ये सब देती है तो उसका पैसा सैलरी से ही काटती है सैलरी से काटने के बाद वो पेमेंट करती है ठीक है तो ये हो जाएगा और कंपनी जब खुद कैलकुलेट करेगी कि मुझे ए वर्क को रखने का या बी वर्कर को रखने का क्या खर्चा है तो कंपनी बोलेगी अच्छा मुझे भी तो contribution करना पड़ेगा वो अपने सैलरी से कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो कंपनी रख रहा है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो ये अमाउंट लिख देंगे 800, 200, 1280, और थ्री ट्वेंटी 200 और 1280 और 320 ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करते ये हो गया 16000 ठीक है और ये कितना हो जाएगा 24000 25000 25 और ये हो गया 25000 ये दोनों मिला के 600 हो रहा है हाँ 600 ये हो गया ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि, कि कितना टाइम काम करने पे ये पेमेंट हुआ वर्किंग आवर्स नॉर्मल ठीक है नॉर्मल इसीलिए मैंने वहां पर ओवर टाइम एक्सक्लूड किया था ये पैसा ये पंद्रह हजार ये जो मैंने फिफ्टीन थाउजेंड लिखा बट यहाँ पर यह फिफ्टीन हंड्रेड नहीं लिखा क्योंकि फिफ्टीन हंड्रेड जो है और भी टेन आवर्स ज्यादा करने के लिए मिला है तो हम लोग पहले नॉर्मल जो है वेज रेट निकालना चाहते तो नॉर्मली कंपनी ने ए और बी को यह नॉर्मल टाइम काम करने के लिए इतना पेमेंट किया नॉर्मल टाइम इनका काम करवाने का कितना था टू आवर्स मंथली है ना पूरा मंथ का डिटेल है टू आवर्स तो वेजे रेट नॉर्मल वेज रेट ठीक है नॉर्मल वेज रेट मतलब नो ओवर टाइम इंक्लूडेड नॉर्मल वेज रेट पर आवर कितना हो जाएगा यहाँ पर था देखो 16000 डिवाइडेड बाय 200 है ना 16000 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स तो ये कितना हो जाएगा 80 पर आवर और ये हो गया 112 अच्छा 128 हो रहा है ये 128 हो रहा है देखो वन हंड्रेड ट्वेंटी एट हो रहा है ये वेजेस रेट हो गया ठीक है अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे ये इंप्लॉय कॉस्ट हो गया अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि वर्कर ए ने जॉब जो है एक्स वाई और जेड में कितना कंट्रीब्यूशन किया है ठीक है वर्कर ए वर्कर ए का जॉब एक्स वाई और जेड में कितना मतलब वर्कर ए को जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका कितना पेमेंट एक्स में जाएगा वाई में में जाएगा और में जाएगा तो wages, normal, और जेड तो ऑर्डिनरी वेजेस वर्कर ए को ऑर्डिनरी वेजेस यानी ऑर्डिनरी या नॉर्मल ठीक है वर्कर ए का ऑर्डिनरी या नॉर्मल वेजेस और वर्कर ए का ओवर टाइम वेजेस ठीक है यहां पर लिखते हैं टोटल वर्कर एक को टोटल ऑर्डिनरी वेजेस कितना दिया गया मतलब नॉर्मल वेजेस सिक्सटीन थाउजेंड है ना सिक्सटीन थाउजेंड दिया गया ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर थाउजेंड और ओवर टाइम कितना दिया गया फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है हम लोग को क्या करने बोला था कि जॉब एक्स में जो है कितना कॉस्ट लगाएंगे तो जॉब एक्स वाई और जेड तीनों में ही वर्कर एक काम कर रहा था तो वर्कर ए को जितना पेमेंट किए उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट चला जाएगा अब देखो वर्कर ए का जो टाइम है सॉरी प्रोपोर्शनेट अमाउंट है कितना फोर्टी परसेंट वर्कर ए ने एक्स में फोर्टी परसेंट क्या किया है टाइम दिया है ठीक है तो फोर्टी परसेंट जो है का 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट तो सिक्सटीन थाउजेंड का थर्टी परसेंट फोर एट जीरो जीरो और फोर एट जीरो जीरो तो ये रुपीज में हो जाएगा है ना रुपीज में हो रहा है कि कितने पैसे यहाँ पर चार्ज होंगे और ओवर टाइम ओवर टाइम फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड का ओवर टाइम देखो बोला था सारे जॉब में नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ वाई जॉब में हुआ तो ओवर टाइम यहाँ भी नहीं एप्लीकेबल होगा भी नहीं एप्लीकेबल यहाँ पर होगा कितना होगा अगर सिर्फ 1500 हंड्रेड ओवर टाइम मिला है और ओवर टाइम सिर्फ एक ही जॉब के लिए मिला है तो वाई में कितना लिखना चाहिए बताओ हंड्रेड 1500 ही लिखेंगे प्रोपोर्शनेट करने का कोई जरूरत ही नहीं प्रोपोर्शनेट तब होता है ना जब मोर देन वन होगा तो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यह कितना हो गया अच्छा पूरे जॉब का कैलकुलेट कर ठीक है ऐसे कर लेते इसका कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड और ये कितना हो गया फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ये वर्कर ए का हो गया सिमिलरली हम लोग वर्कर बी का भी कैलकुलेट करेंगे वर्कर बी ठीक है वर्कर बी का भी कैलकुलेट करेंगे इनको सिर्फ मिला है ऑर्डिनरी या नॉर्मल वेजेस ऑर्डिनरी या नॉर्मल जो भी बोलो इनको ऑर्डिनरी या नॉर्मल वेजेस मिला है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल वाले कॉलम में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है अब मुझे ये बताओ कि इसका अमाउंट कितना कितना जाएगा फिफ्टी ट्वेंटी थर्टी तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का फिफ्टी यानी आधा तो टू से डिवाइड करो 12,800 अच्छा ट्वेंटी थर्टी मतलब कितना हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई थर्टी जीरो सेवन सिक्स एट जीरो ठीक है सिक्स एट जीरो अब ये दोनों टोटल हो जाएगा क्यों क्योंकि हमें पूछा था कि एक्स जॉब में टोटल इंप्लॉय कॉस्ट कितना होगा तो एक्स जॉब के लिए ए वर्कर को दिया सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड बी वर्कर को दिया ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड तो टोटल कितना हो जाएगा नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड वाई जॉब के लिए ए वर्कर को दिया 6300 और बी वर्कर को दिया 5120 तो कितना हो जाएगा 11420 तो नेक्स्ट देखो जेड जॉब के लिए ए वर्कर को दिया 4800 बी वर्कर को दिया हम लोगों ने 7680 तो कितना हो जाएगा 12,480 ठीक है 12,480 ये हो गया तो देखो हम लोग को क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में बहुत सारा चीज पूछा था पहले तो ये पूछा था यहाँ पर कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी तो हम लोगों ने अच्छा ये भी मेन है बोला था कि अर्निंग ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करो तो ये देखो जब हम लोग ए और बी का अर्निंग कैल्कुलेट करे ये भी हम लोग का मेन सोल्यूशन है ठीक है अर्निंग कैलकुलेट करने बोला है ए और बी का ए और बी का अर्निंग मतलब वर्कर सोच रहे कि मुझे कितना पैसा मिलेगा तो वर्कर को बेसिक मिलेगा पता है डीए मिलेगा पता है ओवरटाइम अगर करेंगे तो ओवरटाइम भी मिलेगा तो ए वर्कर का था कैलकुलेट किया बट इनको ये पता है कि इनको अपने सैलरी से पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जितना लिखा हुआ था स्कीम में मतलब ये एग्रीमेंट जब होता है तभी लिखा हुआ रहता है तो ये हो गया वर्कर यह सिर्फ वर्किंग नोट होगा यह हम लोग का अर्निंग का कैलकुलेशन हो गया यह वर्किंग नोट इसके बाद होने से बेटर होता ठीक है इसके बाद होने से बेटर होता कोई बात नहीं मैंने यहाँ पर कर दिया है लेकिन तुम लोग जब इसका प्रेजेंटेशन करोगे तो इसको पीछे देना है ठीक है है पीछे देना है। अब उसके बाद क्योंकि ये जो है मेन सोल्यूशन का पार्ट है ये वर्किंग नोट है सिर्फ ठीक है उसके बाद हम लोग को पूछा था कि कंपनी का इम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगा ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा था एंड एलोकेट द इम्प्लॉय कॉस्ट इम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा टू ईच जॉब तो ये मेन सोल्यूशन हो गया है हाँ ना ये इसके बाद का मेन सोलूशन हो गया कि हर एक जॉब में इम्प्लॉ का खर्चा कितना आया मतलब एक जॉब में एक जॉब को कम्प्लीट करने के लिए जो इम्प्लॉय का खर्चा आया वो कितना है वाई के लिए कितना है जेड के लिए कितना इम्प्लॉय कितने थे दोनों थे तो दोनों का हम लोगों ने अलग अलग किया तो हम लोगों ने देखा वर्कर बी को जितना पैसा मिलेगा तो वर्कर बी को कितना मिल रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये आ, अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ये बात अलग है ये है

करता है और बैंक में हजार रुपए करके सेविंग करता है पर इनकम नाइन थाउजेंड हो गया है ना उसी तरह से यहाँ पर कंपनी बोल रही है मुझे तो पेमेंट मेरे पॉकेट से, पेमें से जाएगा बट ये डायरेक्ट के में चला जाएगा बट ये डायरेक्टली नहीं जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे जाएगा बट खर्चा तो आज ही से चालू हो गया आज ही से जमाते रहना है मुझे तो ये पैसा आज ही से जमना स्टार्ट हो जाएगा

16,500 नॉर्मल प्लस ओवरटाइम और डिवाइड तब हमें कितने से करना पड़ता 2200 से नहीं होता 200 प्लस 10 आवर से करना पड़ता ठीक है तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वेज रेट निकाला इसीलिए मैंने ओवरटाइम को हटा दिया ये देखो क्यों क्योंकि यहाँ पर बोला भी था शायद देखो खैर यहाँ पर बोला नहीं था छोड़ो कोई बात नहीं बोला नहीं था नॉर्मल वर्किंग फॉर ए मंथ टू हंड्रेडर टाइम करने को मिल जाए कि कितना होगा, मैंने यहाँ पर एपोर्शन करके दिखाया ये अगर तुम लोग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ठीक है नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास सिक्सटीन थाउजेंड अवेलेबल है फिफ्टीन हंड्रेड भी अवेलेबल है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड भी अवेलेबल है यहाँ तक अवेलेबल है पॉइंट अगर नहीं करना चाहते हो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क दिए थे उसमें से देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन हो सकता है एक मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इस तरह से दिया था यहाँ से ठीक है यहां से दिया था लेकिन उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हम लिखवा देते हैं कि कौन कौन सा चीज जो ऐसा है कौन कौन सा पेमेंट जो एक्सक्लूड होता है इम्प्लॉय कॉस्ट से ठीक है तो उसका एक लिस्ट डाउन कर लेते फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट कौन कौन से ऐसे कॉस्ट है जो इंप्लॉय कॉस्ट में नहीं आते पहला रेमुनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक है अगर कंपनी में कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिनको हम लोग रेमुनरेशन दे रहे हैं वो हमारा इम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा ऑब्वियसली खर्चा है बट वो हमारा इम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा लेबर कॉस्ट में ठीक है अच्छा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ठीक है अगर कोई आइडल टाइम के लिए हम लोग पे कर रहे हैं कोई वर्कर आइडल टाइम स्पेंड किया है नॉर्मल हो या एब आइडल टाइम दो तरह का होता है लेकिन अगर यहां पर बोल रहा है प्रोविजन क्या बोल रहा है सिर्फ आइडल टाइम के लिए अगर हम लोग पे करते हैं चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल वो हमारे इंप्लॉय कॉस्ट में कभी नहीं आएगा ठीक है अच्छा एनी एबनॉर्मल पेमेंट टू एम्प्लॉ अगर एम्प्लॉय को कुछ एबनॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं ठीक है, है? मतलब जो पेमेंट रेगुलरली नहीं मिलता है ठीक है इस रेगुलर वे से अगर कोई एबनॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं तो वो कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा मान लो उसने क्या क्या इम्प्लॉय्पलॉय ने कुछ उधार वगैरह ले लिया हो सकता है एबनॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं या फिर अचानक से जरूरत हो गया तो पेमेंट कर दिया बाद में रिमबर्स करवा लेंगे या फिर ऐसे ही दे दिया इतने दिन काम कर रहा है जरूरत है दे दिया तो ये एबनॉर्मल पेमेंट है डेली बेसिस का नहीं है तो फिर मतलब डेली मतलब क्या जो नॉर्मली उसका वेजेस होता है या सैलरी होता है डेली बेसिस हो मंथली हो जैसा भी हो तो अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं आएगा ठीक है वो अमाउंट पेमेंट का इंप्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा नेक्स्ट अगर कोई पेनल्टीज है डैमेज है पेड टू स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी और थर्ड पार्टी ठीक है मतलब अगर हमारा कोई स्टेटरी रूल्स था जो हम लोगों ने फॉलो नहीं किया जैसे पीएफ का हो सकता है पीएफ का रूल्स कंपनी ने फॉलो नहीं किया पेनल्टी लग सकता है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इम्प्लॉय के लिए पीएफ बना रहे थे पेनल्टी लग गया तो वो मेरा इम्प्लॉय कॉस्ट है वो मेरा लेबर कॉस्ट है नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि ये हमारे गलती से लगा है तो पेनल्टी डैमेजेस वगैरह के लिए अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा इम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा नेक्स्ट हो जाता है कॉस्ट Related to labor turnover. Labor turnover. लेबर टर्न मतलब लेबर क्या करते है ना कभी इस फैक्ट्री में काम करे कभी दूसरे फैक्ट्री में काम करते तो वो हमें क्या करते मतलब लेबर चले जाते हैं कुछ दिन काम किया चले गया दूसरे जगह कुछ अच्छा उन्हें सैलरी मिल रहा है या फिर मान लो घर के पास है कुछ भी अलग अलग रीजन होता है ना ह्यूमन बींग का यहाँ काम छोड़ के दूसरे जगह चले गए तो कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्न अब नया लेबर आएगा उसको फिर से ट्रेनिंग दो सिखाओ ठीक है तो ये सब जो खर्चा होता है मतलब वर्कर जब ट्रेनिंग पीरियड वगैरह में रहता है क्योंकि लेबर टर्न हुआ था इस वजह से हमें क्या करना पड़ा नए लेबर को रख के उसको ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज देना पड़ा ठीक है इसका जो खर्चा है वो कभी नहीं आता है ठीक है तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट बोल सकते हो रिक्रूटमेंट कॉस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट ठीक है इस तरह का कॉस्ट कभी भी इंप्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा अनएमोटाइज Amount related to discontinued operations. ठीक है मतलब कोई काम बंद हो गया ठीक है कोई काम हम लोगों ने किया था बट वो हम लोगों ने पूरा नहीं किया कोई जॉब लिया था वो मान लो हम लोगों ने पूरा नहीं किया डिसकंटिन्यू कर दिया अब वहां पर जितना भी कॉस्ट इनकट है ठीक है एक काम फिनिश गुड्स हम लोगों ने बनाया नहीं है उसे मिडिल में ही स्टॉप कर दिया तो उसपे स्टॉप करने के पहले तक जितना भी कॉस्ट इनकट हुआ है ठीक है वो अगर अनएमोटाइज है मतलब वो कॉस्ट अगर हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया अनएमोटाइज का मतलब होता है राइट ऑफ नहीं होना एमोटाइज का मतलब राइट ऑफ होना अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है तो वो खर्चा भी कभी भी एड नहीं होगा और एंड में हो गया रिकवरी फ्रॉम इम्प्लॉय मतलब इम्प्लॉय को हम लोगों ने कुछ पैसा दिया है जो वो बाद में रिटर्न कर देगा तो वो हमारा इम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है ठीक है वो हम लोग का इम्प्लॉय कॉस्ट कैसे होगा वो हम लोग का इम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है अब हम लोग ये क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं ये पॉइंट हमारा जरूरी था क्योंकि ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे तो पहला क्वेश्चन ये बंद कर देते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन देखो इलास्ट्रेशन ट्वेंटी थ्री मेजरमेंट ऑफ इंप्लॉई कॉस्ट इलास्ट्रेशन ट्वेंटी थ्री कैलकुलेशन ऑफ इंप्लॉई कॉस्ट बोलो इंप्लॉयी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा कंपनी वाले या जो वर्कर है वो खुद कैलकुलेट करेगा लेबर कॉस्ट कौन कैलकुलेट करता है लेबर अपना अर्निंग कैलकुलेट कर सकता है लेकिन लेबर कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन या जो काम कर रहे हैं वो खुद बोलो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अब देखो क्या क्या दिया है बेसिक पे क्या ये कंपनी का खर्चा होगा क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा अगर कंपनी ये कैलकुलेट कर रही है कि मुझे एक वर्कर मान लो मिस्टर ए को रखने का खर्चा कैलकुलेट करना है तो मैंने उनको क्या क्या देने का प्रॉमिस किया है कंपनी बोल रही है मैंने उनको बेसिक पे दे, देंगे ऐसा बोला क्योंकि कोई काम क्यों करेगा उसे सैलरी मिलेगा प्लस कुछ और मिलेगा तब तो वो काम करेगा तो क्या ये बेसिक पे कंपनी का खर्चा होगा या ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा बोलो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो भी अमाउंट आएगा तो यहाँ पर लिखते हैं बेसिक पे तो कंपनी को बेसिक पे देना पड़ेगा वो कितना है फाइव लैख ये एक जन का नहीं है ऑब्वियसली टोटल कर रहा है कंपनी फाइव लैख अच्छा लीज रेंट लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू तो एन एम्प्लॉय टू लैख तो कंपनी ने क्या किया है अपने इम्प्लॉय को एकोमोडेट करने का आ, रखा मतलब सुविधा रखा है ठीक है मतलब इम्प्लॉय को जाके घर वर नहीं ढूंढना पड़ेगा कंपनी का जो है एकोमोडेशन uh, का एरिया है इम्प्लॉय जाके वहां रह सकता है और पेमेंट भी उसे रेंट का नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी खुद क्या कर रही है रेंट पे कर रही है लीज पे ले लिया है फिर उस लीज का जो रेंट है वो पे कर रही है इम्प्लॉय के लिए वो कितना है टू लैख तो ये क्या होगा क्या ये इम्प्लॉय के रखने का खर्चा हो रहा है बोलो हम अपने वर्कर को yes. बोल रहे हैं हो रहा है ना टू लैख अच्छा अमाउंट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फोर्टी अच्छा ये जो लीज रेंट पेड है उसमें से आ, रिकवर कितना किया जा रहा है देखो रिकवर कितना किया जा रहा है फोर्टी थाउजेंड मतलब रेंट हो रहा है टू लैख उस जगह का लेकिन इंप्लॉय से कुछ पेमेंट ले रहे फोर्टी थाउजेंड तो एक्चुअली कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है 1, 60. 1, 60 तो ऐड कितना होना चाहिए होगा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कॉस्ट टू Employer towards lease rent paid for accommodation. का घर इम्प्लॉय को दे, दिया है ठीक है लेकिन इम्प्लॉय से नहीं ले रहा है ठीक है इम्प्लॉय को दस हजार का रेंट भी नहीं पे करना पड़ रहा है इम्प्लॉय को सिर्फ कंपनी को मान लो दो हजार पे करना पड़ता है बाकी आठ हजार कंपनी कर रही है तो कंपनी को उस इम्प्लॉय को रखने का खर्चा कितना हुआ आठ हजार ठीक है जो इम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा की अगर मुझे इम्प्लॉय को रखना है तो मुझे उसका लीज रेंट देना पड़ेगा अब ये इनका मतलब इनका खुद का टर्म्स एंड कंडीशन होगा तभी दे रहे हैं मतलब इनको ऐसा लगता है कि मुझे ये अकोमोडेशन वाला फैसिलिटी देना चाहिए तभी दे रहे हैं कोई जबरदस्ती का बात नहीं है हर कंपनी नहीं देती है कोई कोई कंपनी रहने के लिए घर और ऑफिस तक जाने के लिए कार वगैरह सारा चीज प्रोवाइड करती है ठीक है वो तो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कैसा सोच रहा है ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या ये आएगा हम लोग इंप्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इंप्लॉयर ने पीएफ के टूवर्ड सेवेंटी फाइव थाउजेंड कंट्रीब्यूट किया है क्या ये आएगा yes. आएगा क्योंकि कंपनी अपना खर्चा में ये भी देखेगी कि मुझे अगर वर्कर को रखना है तो मुझे फाइव लाख ,00 पे करना पड़ेगा बेसिक जो मतलब सैलरी इसके अलावा मुझे रेंट का लीज रेंट का वन लैख सिक्सटी देना पड़ेगा इसके अलावा मुझे पीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पी एफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये भी खर्चा मुझे बियर करना पड़ेगा तभी हम रख सकते हैं लोगों को काम पे अच्छा उसके बाद रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस सिक्सटी सेवन थाउजेंड अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज हुआ तो कंपनी अपने तरफ से थाउजेंड तक पेमेंट करेगी क्या ये खर्चा होगा कंपनी का क्या ये एड होगा क्या ये इम्प्लॉय को रखने का खर्चा होगा बोलो मैम yes, yes. होगा ना क्योंकि अगर रखना है तो ये कंडीशन है मतलब मान लो किसी इम्प्लॉय का हॉस्पिटल का बिल आया वन लाख तो वहां से सिक्सटी सेवन थाउजेंड कंपनी पे कर देगी ठीक है ये ये ऑब्वियसली ओवरऑल है ठीक है ये एक इम्प्लॉय का नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्लॉय का बोला नहीं है ठीक है? एक का बात नहीं बोला, तो जो भी हो, इम्प्लॉयर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस के टूवर्ड्स कंपनी का सिक्सटी सेवन थाउजेंड का खर्चा होगा इंप्लॉय लोगों के लिए Of by the अगर के कोई होते तो कंपनी के तरफ से नाइनटीन थाउजेंड पेमेंट होगा तो बोलो नाइनटीन थाउजेंड क्या ये आएगा आएगा ना क्योंकि ये पेमेंट क्या करना पड़ेगा अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है आएगा ये खर्चा होगा कंपनी का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिज एम्प्लॉय फैमिली में थाउजेंड अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है फेस्टिवल बोनस क्या ये आएगा कंपनी बोल रही है हम लोग बोनस देते हैं फेस्टिप में आएगा ऐड हो जाएगा फेस्टिव तो, बोनस अच्छा नेक्स्ट देखो एडवांस फेस्टिवल एडवांस थर्टी थाउजेंड क्या एडवांस आएगा फेस्टिवल एडवांस थर्टी थाउजेंड क्या एडवांस आएगा एडवांस का मतलब क्या होता है परमानेंटली दे देना या फिर अभी देंगे बाद में ले लेंगे एडवांस बोल रहा है बोनस का मतलब रिटर्न थोड़ी ना लेंगे पूजा का बोनस दिए वो वापस थोड़ी ना ले लेंगे इम्प्लॉय से लेकिन अगर इम्प्लॉय को एडवांस दिए हैं एडवांस देने से क्या बोलते हैं ठीक है एडवांस से ये ले लो लेकिन बाद में कैसे कट करेंगे सैलरी से मतलब या फिर ओवर टाइम करके कट कर लेंगे तो बोलो ये एक आएगा एक हाँ बोलो आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है एड, मतलब लोन होता है क्या एडवांस मतलब लोन हो गया नहीं सुनते हो लोग बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा एडवांस दे दीजिए जरूरत है एडवांस का मतलब लोन एडवांस का मतलब क्या मैंने काम नहीं किया लेकिन मुझे दे दो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं मुझे पैसे का जरूरत है मुझे सैलरी तो आप दे ही रहे हो लेकिन मुझे और भी थोड़ा सा पैसे का जरूरत है मान लो किसी का सैलरी जो है मंथली फिफ्टीन थाउजेंड है उसे अचानक से पैसे का जरूरत हो गया वो बोल रहा है मुझे और भी फिफ्टीन थाउजेंड उसको क्या बोलेगा एडवांस कर दीजिए हम बाद में नेक्स्ट मंथ में ओवर टाइम करके या कैसे भी करके रिटर्न करवा देंगे एडवांस का मतलब होता है लोन ठीक है लोन तो अगर यहाँ पर मैंने लिखवाया था ना कोई लोन वगैरह दे रहे हैं मतलब रिम्बर्स हो जाएगा

हम लोगों का नॉर्मल क्या खर्चा है वो बताओ एडवांस हमेशा हर कोई लेगा जरूरी नहीं है हर मंथ में ही कोई एडवांस एडवांस लेगा लेगा सेम जरूरी नहीं है लेकिन सैलरी जो है सेम सेम कैटेगरी लोगों को सैलरी बेसिक पे देना पड़ेगा उनका जो हाउस रेंट का जो अलाउंस है वो भी सेम देना पड़ेगा ठीक है अब मुझे बोलो टोटल कितना हो रहा है और ये कितना हो जाएगा एट ये हो गया टोटल इंप्लॉय कॉस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कैलकुलेट किया कि इंप्लॉय को रखने का खर्चा इतना आ रहा है टोटल इंप्लॉय कॉस्ट अच्छा फेस्टिव एडवांस क्यों नहीं आएगा लिख लो याद रहेगा फेस्टिव एडवांस इज रिकवरेबल रिकवरेबल फेस्टिव एडवांस इज रिकवरेबल सो नॉट इंक्लूडेड ठीक है बोनस रिकवरेबल नहीं होता है बोनस दे दिया मतलब दे दिया ये रिटर्न नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट हो गया इम्प्लॉज कंट्रीब्यूशन टू एडवांस को भी एड कर अच्छा, तुमने जो भेजा था मुझे सॉल्व करके क्या अच्छा अच्छा नहीं वो नहीं आएगा अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पी एफ था अच्छा यहाँ पर दो पॉइंट था मैंने देखा नहीं इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेवेंटी फाइव थाउजेंड इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड था लेकिन हम लोगों ने कौन सा लिया कौन सा लेना चाहिए बोलो इम्प्लॉय पी एफ में पी एफ जो फंड बनता है ना पी एफ फंड दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इंप्लॉयर को भी और इम्प्लॉय को भी ठीक है इम्प्लॉय को भी तो इम्प्लॉई कितना कंट्रीब्यूट करता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंप्लॉयर भी करता है सेवेंटी फाइव तो नॉर्मली यही रूल्स होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है तो कौन सा अमाउंट तो नहीं, तो नहीं आएगा ठीक है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्योंकि इंप्लॉय तो अपने सैलरी से करता है तो वो कंपनी का खर्चा नहीं होता है कंपनी जो वाला कंट्रीब्यूट कर रही है इंप्लॉय के लिए वो कंपनी का खर्चा होता है तो कंट्रीब्यूशन टू पी इज नॉट कॉस्ट ऑफ इंप्लॉयर यह इंप्लॉयर का कॉस्ट नहीं वो अपने सैलरी से सेक्रीफाइस करते हैं हें नॉट इंक्लूडेड इसीलिए नहीं आएगा ठीक है हो गया पहला वाला क्वेश्चन फिर इलास्ट्रेशन ट्वेंटी फोर मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा मैंने अभी list था. Idle time आएगा कि नहीं आएगा देखो है. है? क्या बोल रहा है? Idle time आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा. ठीक <laughs> है तो वो हम लोग माइनस कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इम्प्लॉ कॉस्ट पर्टिकुलर amount, gross pay कितना हो जाएगा टेन लैख थर्टी माइनस आइडल टाइम हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टेन लैख फाइव थाउजेंड ठीक है अच्छा accommodation provided to employee free of cost this accommodation is owned by the employer to so, employee ko rehne ka jagah free mein de diya hai company ne aur ye accommodation jo diya gaya hai log rakh matlab employee ko rehne ke liye वो actually employer का ही है ठीक है तो वहां depreciation charge होता है वन lakh maintenance charge है टैक्स देना पड़ता है 3, तो क्या ये का खर्चा होगा मतलब को को बोल सॉरी आप रहो यहाँ पर मेरे घर मेरा ये घर है यहाँ पर आप रह सकते हो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा फ्री में रहो ठीक है फ्री में रहो ये कंपनी के तरफ से फैसिलिटी दिया गया ठीक है वर्कर को कि आप फ्री में रहो लेकिन उस घर का एक खर्चा है जो खर्चा किसको पता है घर के जो ओनर है ओनर कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है मतलब जो इम्प्लॉयर है उन्हीं का घर है और उनको पता है इस घर का साल में डेप्रीशिएशन होता है एक लाख अब साल का है आ, साल का ही होगा ठीक है साल का होगा वन लाख मेंटेनेंस चार्जेस लगता है नाइन्टी थाउजेंड म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है थ्री थाउजेंड तो ये खर्चा क्या फ्री में लोगों को रखना है तो क्या ये खर्चा नहीं देना पड़ेगा टैक्स तो भरना ही पड़ेगा टैक्स तो भरना ही पड़ेगा कोई भी रहे उस घर में या कोई ना भी रहे तो भी भरना पड़ेगा एकोमोडेशन के लिए का खर्चा तो वो भी करना पड़ेगा वो तो फ्री में रख रहा है वो उसका प्रॉब्लम है है ठीक उसका कंडीशन है कि हम अपने वर्कर को फ्री में रखेंगे लेकिन उस वर्कर को फ्री में रखने के लिए उसका कितना खर्चा हो जा रहा है वर्कर को फ्री में रखने के लिए कितना खर्चा हो जा रहा है टोटल क्या ये खर्चा हाँ बोलो खर्चा आएगा आएगा 93 हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा देना इनको खुद से नहीं देना पड़ रहा है जो वर्कर है उनको लेकिन क्या इस वर्कर को फ्री में रखेंगे तो टैक्स नहीं भरेंगे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा न क्या बोलते उसे और एक क्या खर्चा तो वो नहीं पे होगा एकोमोडेशन सभी होगा ठीक है तो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन अगर ये वर्कर से ले लेते तो क्या यहाँ पर आता मुझे एक बार बताओ ये सारा खर्चा फ्री में नहीं हो क्या अगर वर्कर को बोलते है आप इस घर पे रहो लेकिन वन लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड आपको पे करना है तब क्या ये खर्चा यहाँ पर आता मुझे ये बोलो नहीं आता है ना पेड एम्प्लॉयर क्योंकि एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो अपना खर्चा दिखाएगा ना वन लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड अच्छा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पी क्या ये आएगा अब तो ये समझ में आ गया होगा इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है क्या ये आएगा यस yes, मैम आएगा नाइनटी एट हो जाएगा नाइन्टी एट हो जाएगा क्योंकि पेनल्टी टू थाउजेंड लगाए क्योंकि पी एफ का कोई रूल्स इन्होंने नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी तो रोज रोज लगने वाला नहीं है इसमें पेनल्टी इंक्लूडेड है मतलब वन लैक ये लोग पी एफ में नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली ये लोग पी एफ में कंट्रीब्यूट करते हैं नाइनटी एट थाउजेंड अब कोई वर्कर था सॉरी कोई वर्कर बोल रहे अब कोई प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए पेनल्टी लग गया इन्होंने कुछ रूल्स जो है वायोलेशन किया है तो दो हजार का पेनल्टी लग गया तो ये तो हमेशा नहीं लगता है एब पेमेंट है तो इम्प्लॉय को रखने का खर्चा पीएफ का वन लाख नहीं है नाइनटी एट है वो तो कंपनी का गलती है कि उन्होंने दो हजार उनको पेनल्टी भरना पड़ा तो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सक्लूडिंग पेनल्टी नाइन्टी एट थाउजेंड टोटल कर लो टेन लैक फाइव और ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है ट्वेल्व लैक ट्वेल्व लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये हो गया ट्वेल्व लैख ,00, 96,000 सिक्स थाउजेंड बस ये वाला है और एक ही होमवर्क था ये भी करवा देते हैं ट्वेंटी फाइव ये भी हो जाएगा ट्वेंटी फाइव में सेम क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट देखो क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा क्या मेटेरियल कंज्यूम्ड एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा बोलो ट्रायल बैलेंस दे रखा है oh, ये कहाँ जाता है कौन से कॉस्ट में जाता है यहाँ नहीं आएगा करेक्ट लेकिन ये कौन से कॉस्ट में जाता है कॉस्ट सैलरी तो आएगा ये तो मेन है सैलरी ये तो हमें पता ही है ना सैलरी तो लगता ही है लोगों को रखने का सैलरी है फिफ्टीन लैख अच्छा उसके बाद है अच्छा यहां पर देखो क्या दे रखा है स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टूवर्ड्स इम्प्लॉय सैलरी मतलब इम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं वो पूरा हमें नहीं देना पड़ता क्योंकि हमें सब्सिडी मिलता है ठीक है क्योंकि हमें सब्सिडी मिलता, मिलता है कितना टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड मतलब गवर्नमेंट टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड हमें भेजती है इम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए क्यों भेजती है सब्सिडी है सब्सिडी है ठीक है जैसे पहले सिलेंडर में सब्सिडी वगैरह मिलता था वैसे तो ये कितना हो जाएगा फिर सैलरी का खर्चा इंप्लॉय के पॉकेट से कितना जाएगा वही तो कैलकुलेट करना है ना ऑर्गेनाइजेशन के पॉकेट से कितना जा रहा है तो पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना जब हमें भी सिलेंडर में सब्सिडी मिल रहा था तो पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता था सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट टू लैख सेवेंटी 5000 माइनस हो जाएगा अच्छा परक्विजिट टू एम्प्लॉइज क्या ये जाएगा परक्विजिट का मतलब होता है कि समथिंग इन कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर हम लोग इम्प्लॉय को ऐसा कुछ दे रहा है जो अदर देन कैश है उसे परक्विजिट परक्विजिट बोलते हैं क्या परक्विजिट का खर्चा जाएगा जैसे वो रखने का खर्चा घर पे फ्री में रहने के लिए बोल रहे हैं ये और घर जाएगा।, जाएगा लेकिन इसमें भी देखो रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम आउट ऑफ रिकवरेबल्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है आपका तो माइनस हो जाएगा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हम दे रहे हैं लेकिन थर्टी फाइव थाउजेंड आप दे दीजिएगा ठीक है तो इसका मतलब एक्चुअली इनके पॉकेट से ऑर्गेनाइजेशन के पॉकेट से डिडक्टेबल अमाउंट जाएगा तो यहाँ पर एड करेंगे नेट कर देते हैं नेट परक्विजिट फोर लैख फिफ्टी माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड कितना हो जाएगा फोर लैख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है अच्छा कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुअटी फंड क्या ये जाएगा बोलो वर्कर लोगों को ग्रेचुटी मिलता है ना लेबर को ग्रेचुटी yes, क्या ये जाएगा ये ग्रेचुटी का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का होगा ठीक है कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुअटी फंड फोर लैख था चेक करते फोर लैख अच्छा लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू इम्प्लॉयज इंप्लॉइज को रखने के लिए लीज रेंट दे रहा है क्या ये होगा क्या ये खर्चा आएगा, yes, आएगा? ठीक है लीज रेंट थ्री लैख ,00 और नेक्स्ट बोला है फेस्टिव बोनस क्या ये आएगा एडवांस नहीं बोला है सिर्फ फेस्टिव बोनस बोला है आएगा कि नहीं आएगा बोलो आएगा फिफ्टी आएगा? थाउजेंड था और ये लास्ट में अनएमोटाइज अमाउंट ऑफ इम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या ये आएगा मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था एक काम हम लोगों ने जो है बीच में ही रोक दिया कोई एक ऑपरेशन चल रहा था जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया वहां पर जितना इम्प्लॉय कॉस्ट लगा है वो है टोटल नाइन्टी लेकिन वो अनएमोटाइज है मतलब उस खर्चे को हम लोगों ने राइट right ऑफ नहीं किया क्योंकि फिनिश गुड्स नहीं बना तो वो तो प्रोडक्ट में चार्ज नहीं हो रहा है तो ये जो नाइनटी का खर्चा है जो फिनिश गुड्स बनने के पहले तक का लगा हुआ है उसके बाद फिनिश गुड्स बना नहीं वो काम किसी वजह से डिस्काउंट ही नहीं होगा नहीं देखो लिस्ट देखो आएगा कि नहीं नहीं आएगा नहीं आएगा ना लिस्ट देखो अभी लिखवाया था ये देखो अनएमोर्टाइज नहीं आएगा अमाउंट ये नहीं आएगा ठीक है अगर नहीं। हाँ अगर एमोर्टाइज्ड कर देते तो आ जाता राइट ऑफ करे हैं तो आ जाएगा उस पीरियड का लेकिन राइट ऑफ नहीं करे हैं तो नहीं आएगा तो यहां पर और कुछ नहीं आएगा चलो ऐड करके बताओ कितना होगा फिफ्टीन लैख और टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये माइनस करने से आ जाएगा ट्वेल्व लैख ट्वेंटी माइनस करने से ट्वेल्व लैख ट्वेंटी लैख और 4 ,00, 16 ,00, 16 ,00, 16 ,00, और ये हो गया सिक्सटीन लैख ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सिक्सटीन 40 सिक्सटीन 16 16 और फोर ट्वेंटी 40 ट्वेंटी और थ्री ट्वेंटी थ्री लैख फोर्टी और ट्वेंटी थ्री लैख नाइनटी ट्वेंटी हाँ, और ये फिफ्टी एड करने के बाद ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी हो गया टोटल इंप्लॉय ट्वेंटी थ्री लैख नाइंटी हो गया अच्छा एक सेकेंड बस ये देख लेते हैं होमवर्क में जो दिया था वो कंप्लीट हो गया क्या थ्री करवा दिया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव हाँ हो गया ठीक है ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं जित जो भी होमवर्क था जितना भी कंसेप्ट था वो हम लोगों ने कर लिया नेक्स्ट दिन दूसरा मतलब इसी का दूसरा कंसेप्ट करेंगे ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं